नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, सड़क पर चलते हुए खुद को और फैमिली को सेफ रखने के लिए एक मजबूत बिल्ड क्वालिटी वाली कार का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई बार सामने वालों की या फिर अपनी ही छोटी छोटी लापरवाहियां नुकसान पहुंचा देती हैं। ऐसे में सेफ कार होगी तो उसमें बैठकर जान बचने का या मेजर इंजरीज ना आने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि ये गाड़ियां किसी भी स्पीड में आपको बचा पाएंगी, क्योंकि इनको भी एक लिमिट तक ही मजबूत बनाया गया है। लेकिन ये लिमिट जो है वो 2-3 स्टार वाले गाड़ियों से कहीं ऊपर है, और ये चीज आपको आज के टाटा हैरियर और ट्रक के बीच हुए एक्सीडेंट में भी दिख जाएगा, जिसे रिसेंटली एसयूवी के ओनर मिस्टर अमित जी ने फेसबुक ग्रुप में शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। ये एक्सीडेंट कुछ दिनों पहले बिहार में किसी जगह पर हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सर अपने फैमिली के साथ दिल्ली से कटिहार अपने घर की तरफ लौट रहे थे। दोनों जगह की दूरी करीब 1345 किलोमीटर के आसपास थी और सर ने करीब 1245 किलोमीटर कवर कर लिया था। बस घर आने में 100 किलोमीटर बचे हुए थे। अब हुआ क्या कि किसी सिंगल रोड पर सामने से एक ट्रक दूसरे ट्रक को ओवरटेक करते हुए बिल्कुल हैरियर के लेन में आ रही थी। हैरियर के ओनर को शायद उस टाइम झपकी आ गई, जिस वजह से वो क्लियरली जज नहीं कर पाए और ट्रक ने सीधा एसयूवी के राइट साइड को हिट कर दिया। फोटोज में आप साफ देख सकते हैं इंपैक्ट की वजह से एसयूवी का बोनेट, बम्पर, हेडलाइट, फेंडर, विंडशील्ड, व्हील, पिलर और राइट साइड वाले दोनों डोर्स डैमेज हो गए हैं। ये गाड़ी बनने के बाद की सर्विस सेंटर के अंदर की इमेज है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी सारी चीजें डैमेज हुई थी। खैर, अच्छी बात यह थी कि पैसेंजर्स को बिल्कुल भी चोटें नहीं आई, सभी सेफ थे। तो भाई, टाटा हैरियर की बिल्ड क्वालिटी लाजवाब है। इसको ऐसे ही नहीं देसी लैंड रोवर बोलते हैं, कई बड़े से बड़े एक्सीडेंट्स में भी इसने पैसेंजर्स को सेफ रखा है। इसके अलावा भाई, जिस तरह से यहाँ मेंशन है कि एक्सीडेंट का रीजन नींद आना था, तो ये एक बड़ी लापरवाही है। कभी भी जबरदस्ती की ड्राइविंग मत करें और हो सके तो ज्यादा रात में गाड़ी मत ही चलाएं। हालांकि कुछ इमरजेंसी है और आपको रात में लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो रास्ते में रुक रुक के चाय कॉफी वगैरह पीते रहें और को पैसेंजर को जगा के रखें, उसे सोने ना दें।